हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फिटनेस। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे प्रोटीन वर्सेस मास गेनर, व्हाट इज राइट चॉइस फॉर यू। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि उनको मास गेनर लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। तो बने रहो वीडियो में, वॉच लैंड, वी विल बी बैक। लव यू ऑल। सो गाइज, वी आर बैक अगेन। नाउ टॉक अबाउट प्रोटीन वर्सेज मास गेनर, वट इज द राइट ऑप्शन फॉर यू, वट यू हैव टू पिक राइट सप्लीमेंट फॉर यू। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ही ज्यादा स्किनी हो, मतलब बहुत पतले, दुबले पतले हो, 40-45 किलो के वजन हो, तो आपके लिए प्रोटीन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन लोगे ना, तो प्रोटीन के पता नहीं कितने डब्बे खर्च हो जाएंगे आपके ऊपर। डब्बे छोड़ो, आपके पैसे इतने खर्च हो जाएंगे। क्योंकि प्रोटीन अगर कोई भी आप जनरली लोगे तो 1500 से 2000 का आता है, तो आपके पता नहीं कितने पैसे वेस्ट हो जाएंगे प्रोटीन खाने में। और जब और पता नहीं कितना मसल मास आप गेन कर पाओगे, रनो। क्योंकि आपको अभी, जब आप बहुत ज्यादा स्किनी हो, 40-45 किलो के हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको मास गेनर पिक करना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम नीड होती है मोर एंड मोर कार्ब्स की। जनरली होता क्या है, देखिए समझिए इस बात को, कि जो हमारे दुबले पतले भाई होते हैं, दुबले पतली बहन जो होती है हमारी, उनके साथ सीन क्या होता है, मतलब उनको भूख नहीं लगती, वो भूख नहीं लगती तो वो खाना नहीं खा पाएंगे, तो खाना नहीं खा पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके शरीर में कार्ब्स नहीं जाएगा, और कार्ब्स नहीं जाएगा तो आपका शरीर में आपका वेट गेन ही नहीं होगा, आप मसल मास भी गेन नहीं कर पाओगे, वेट जिम में जाके वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो हाउ कैन यू ग्रो योर बॉडी, तो समझो, पहले आपकी नीड है, आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में कार्ब्स होना चाहिए। अगर आप कार्ब्स नहीं ले पाते पूरे दिन में, अगर थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, तो गेनर आपके लिए इसलिए ही बना हुआ है कि आपको एक स्कूप में कम से कम 100-150 कैलोरीज मिल जाए। तो पूरे दिन, मतलब गेनर, काफी बंदे कहते हैं गेनर बेकार चीज होती है, पेट आ जाता है, या तो गेनर का काम देखिए, खराब कोई चीज नहीं, मतलब खराब अगर होती तो मार्केट में चीज बिकती क्यों। गेनर ना कि दुबले पतले नहीं, बाकी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी लेते हैं, जिनको अपना वेट गेन करना होता है वो भी लेते हैं, ऑफ सीजन भी लेते हैं। तो खाली प्रोटीन तो बहुत अलग है, प्रोटीन आपकी, प्रोटीन की नीड होती है आपकी मसल रिकवरी के लिए, मसल बनाने के लिए आपको प्रोटीन की नीड होती है, ना कि आपको गेन करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना प्रोटीन लेने से आपका वेट गेन होगा, ये होगा वो होगा, मसल मास साइज बढ़ता है, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ये चीज समझो, डिफरेंशिएट समझो दोनों में, दोनों की चीज, दोनों ये चीजें बहुत अलग है, और आपके लिए क्या सही है आपको वो समझना बहुत जरूरी है। BMI के अकॉर्डिंग अगर आपका बॉडी अंडर वेट है, तो आपके लिए गेनर ही एक ऑप्शन है जो आपको उस लेवल पे पहुंचाएगा, समझे ना, कि प्रोटीन, प्रोटीन पे पैसे वेस्ट मत करो अपने अगर आप बहुत अंडरवेटेड हो। क्योंकि यूजली आजकल के लोग मैंने देखे बहुत पतले पतले हैं, 40-45 किलो के हैं। प्रोटीन आपके लिए अभी नहीं है, आप अपना वेट पहले, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसको मैचअप करो, देन यू हैव टू स्टार्ट। आपको लगता है कि मेरी बॉडी अच्छी शेप में होगी, मेरा बॉडी वेट प्रॉपर आ चुका है, देन आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रोटीन, ताकि आपकी मसल रिकवरी हो। क्योंकि आपके अंदर जान आ जाएगी, तो आप जाहिर सी बात है मसल अच्छा ब्रेक डाउन करोगे जिम में, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ाता, समझे। तो आपके लिए प्रोटीन एंड मास गेनर के बीच का जो डिफरेंशिएट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट डाउन। तो आज की वीडियो में जब तक के लिए इतना ही, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, वी विल बी बैक, लव यू ऑल, बाय।